चलो सीधे आपको ले चलते हैं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल प्रेस वार्ता कर रहे हैं, सुने। आयोग कमजोर होता है और चुनाव आयोग कमजोर होता है, चुनाव कैंसिल होते हैं तो देश कमजोर होता है। हम सबको मिलकर देश की रक्षा करनी है, किसी भी हालत में हमें इंस्टीट्यूशंस को कमजोर नहीं होने देना। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, चुनाव कैंसिल मत कराइए। अगर चुनाव कैंसिल होते हैं ये जनतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आज ये कहा जा रहा है कि हम तीनों एमसीडी एक करना चाहते हैं इसीलिए चुनाव टाल दीजिए। कल को मान लो लोकसभा का चुनाव है, उसके पहले अगर कहा जाएगा कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम अच्छा नहीं है, हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाना चाहते हैं, संविधान में बदलाव करना चाहते हैं इसलिए चुनाव टाल दीजिए, तो क्या चुनाव टाले जाएंगे? मान लो कल को कोई स्टेट असेंबली का चुनाव है, ये कहा जाएगा कि हम दो राज्यों को इकट्ठा करना चाहते हैं इसीलिए चुनाव टाल दीजिए, तो क्या चुनाव टाल दिए जाएंगे? क्या जनतंत्र के अंदर चुनाव ऐसे टाले जा सकते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहूँगा, कल केजरीवाल भी नहीं रहेगा, कल मोदी जी भी नहीं रहेंगे, ये देश रहेगा। इस देश को अपने को कमज़ोर नहीं करना। मुझे नहीं पता कि राज्य के हमारे जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं उन पे ऐसा क्या प्रेशर डाला गया, उनको क्या धमकी दी गई, इनकम टैक्स की, ईडी की, सीबीआई की कोई धमकी दी गई, या वो अभी अप्रैल में रिटायर हो रहे हैं तो उनको पोस्ट रिटायरमेंट कोई लालच दिया गया, मुझे नहीं पता क्या दिया गया, लेकिन वो तुरंत एक घंटे के अंदर चुनाव टालने को तैयार हो गए। ऐसे संस्थाएं कैसे चलेंगी? और मैं हमारे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से भी कहना चाहूँगा कि सर अगर आप ऐसे चुनाव टाल देंगे ये तो जनतंत्र ही नहीं बचेगा। हम लोगों ने आज़ादी किस लिए पाई थी, इस देश ने आज़ादी किस लिए पाई थी, जनता का राज है, जनतंत्र है इस देश के अंदर, आप ऐसे चुनाव टाल देंगे तो जनतंत्र ही नहीं बचेगा। मुझे नहीं पता आपके ऊपर क्या प्रेशर डाला जा रहा है, मुझे नहीं पता आपको क्या धमकी दी जा रही है या क्या लालच दिया जा रहा है, लेकिन सर जो भी आपको धमकी दी जा रही है, जो भी आपको लालच दिया जा रहा है, बाहर आके बता दीजिए, देश को, सारी जनता को बता दीजिए, देश आपके साथ खड़ा होगा, पूरा देश आपका साथ देगा। पर झुकिए मत सर, किसी के सामने मत झुकिए, देश की बात है, जनतंत्र की बात है। नमस्कार। तो अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, एमसीडी इलेक्शन टाले जाने को लेकर निर्वाचन आयोग पर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से क्या पलटवार आता है ये भी देखना दिलचस्प रहेगा।